वेलकम माई यूट्यूब चैनल GKCEE में स्वागत है आप लोगों का। आज आया है सऊदी अरबिया में, एसी का ट्रेड एसी है, वो चेक करें, कंप्लेन आए हो, एसी कंप्रेसर चल नहीं रहा है। कौन सा एसी है, ट्रेड का एसी है, सरीका है, ट्रेड का है, और ये हम चेक करेंगे, ये एसी नहीं चल रहा है। ये नहीं चल रहा, चलो चेक करते हैं। हम पहले सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कंडक्टर है, रिले है, और यह स्टार्टर कैपेसिटर है। अब इसमें एसी क्यों नहीं चल रहा है, मैं आपको चेक कराता हूँ। हम ब्रेकर है, ब्रेकर इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले काम इसको खोलेंगे तो ब्रेकर बंद करेंगे और चालू करेंगे, ठीक है, उसके बाद काम करेंगे। फिर अब चेक करने के लिए हम कंडक्टर चालू करेंगे, तो ये कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा, खाली फैन चालू हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, चले क्या होता है मैं चेक करता हूँ। तो उससे पहले वो सप्लाई को बंद करने आएगा, सप्लाई पहले बंद करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ पे पहले मोबीना देखेंगे, मोबीना जो मोबीना बोलते हैं अरबी शब्द है, और इसको कैपेसिटर सही है। फिर रिले देखेंगे, इसका तार वार से शॉर्ट नहीं है, फिर उसको रिले देखेंगे, फिर कॉन्टेक्टर देखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्टर। देखिए यहाँ पे मेरा स्टार्टर खराब है, मेरा ये स्टार्टर खराब है, स्टार्टर फट गई है, मतलब ये मेरा स्टार्टर खराब हो गया। तो यहाँ पे हम स्टार्टर चेंज करेंगे, चलो हम स्टार्टर तो नए लगाते हैं। ये मेरा सैमसंग स्टार्टर है और यहाँ पे नए लगाते हैं, फिर देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। फिर मैंने स्टार्टर लगा दिए, इसको अच्छी तरह से लगाएंगे, देखें यहाँ पे ढीला हो, और इसको अच्छी तरह से लगाएंगे। इसको ढीला नहीं, जो भी लगाएंगे अच्छी तरह चेक करके लगाएंगे, ढीला होगा स्पार्क करेगा और स्पार्क होकर खराब हो जाएगा। तो इसको हम टाइट करते हैं, इसको प्लास से थोड़ा सा पंच करेंगे, टाइट हो जाएगा। फिर इसको हम बाहर निकालते हैं, इसको भी करते हैं टाइट, ढीला लग रहा है मेरे नज़र में, इसको टाइट किए। और ये अच्छी तरह से यहाँ पर लगाना है, ठीक है, ये छोटा है तो अच्छी तरह से चेक करना है। हम अच्छी तरह से टेप मारेंगे, थोड़ा सा सेफ्टी में रखेंगे कि कोई वो लोहे में कोई टच ना हो, खराब ना हो, लोहे में टच होगा तो वो उड़ जाएगा। तो फिर चलता है, इसको मैं चालू करता हूँ, ब्रेकर को ऑन करूँगा, और मैं समय लेगा, 3 मिनट का समय लेगा। और ये क्या करें, एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर यहाँ पर लगा दीजिए, कंप्रेसर चेक करेंगे कितना एम्पियर लेकर चालू हो रहा है, या कुछ खराब क्यों खराब हुआ वो भी चेक करेंगे, उड़ने का मतलब क्यों उड़ा, तो हम लगा के चेक करेंगे क्या चलता है कि नहीं चलता है। चल जाएगा तो सही है, वो खराब था नहीं चलेगा तो कुछ आगे प्रॉब्लम होगा, अगर तो वो ये उड़ जाएगा या ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। तो वो हम चेक करते हैं, 3 मिनट इंतजार करते हैं, उसके बाद हम वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। अब हम चेक करते रहेंगे और इसमें देखेंगे कितना एम्पियर लेके चालू हो रहा है, और इस ये खराब भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो तो ये खराब हो सकता है। और ये खराब क्यों होता है मैं आपको अगला वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, या वेट करें, जब देखते हैं ये चल जाएगा तो ठीक है, नहीं जब खराब होगा तो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों खराब होता है। इसका खराब होने का 2 कारण हो सकता है, एक सबसे पहले कैपेसिटर खराब हो, या उसके साथ साथ रिले खराब हो, या रिले खराब हो तो ऑटोमेटिक वो स्टार्टर खराब हो जाता है। स्टार्टर सही है तो समझिए रिले रिले सही है तो स्टार्टर आपका खराब हुआ तो मुश्किल है, कभी कभी जैसे कैपेसिटर खराब होता है सबसे उसी तरह स्टार्टर भी खराब हो जाता है। तो हम चेक करते हैं, हम यहाँ पे एम्पियर में लगा के रख दिए हैं, देखते हैं कितना एम्पियर में चालू हो रहा है। मैं कुछ 3 मिनट वेट लगता है, कोई भी एसी चलने में 3 मिनट समय लगता है, तो हम वेट करेंगे और इसको देखेंगे ये भी कि साथ साथ ये चल रहा है या खराब हो रहा है। खराब होगा तो समझिए ये रिले बदलेंगे, रिले लगाने के बाद भी खराब हो रहा है तो क्या होगा, नीचे इंडोर है तो इंडोर में जो कैपेसिटिव इसमें नहीं है, ठीक है,
इसमें कैपिटल ट्यूब नहीं है, इसमें एक्सपेंशन वाल है। एक्सपेंशन वाल है, एक्सपेंशन वाल कभी कभी क्या होता है, ओपन नहीं होता है, तो ये ज़्यादा हाई एम्पियर लेता है और उसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो अभी चेक करते हैं, अभी इसमें दो बार कंप्लेन आ चुका है, एक बार ये बदले थे तो चल गया था, लगभग 5-6 दिन हो गया वो सही चला, फिर वो दोबारा कंप्लेन आया हुआ है, फिर आपकी लगा के चेक करते हैं, अब की बार ख़राब होगा तो ये हम क्या करेंगे, एक्सपेंसर वाल होगा, एक्सपेंसर वाल बदलेंगे, नहीं तो जुगाड़ू काम बोलते हैं इंडिया में, बोलते हैं जुगाड़ू काम, हम इसके ऊपर छत पे हम यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ पे खोलेंगे तो अगला वीडियो बताएंगे आपको कि इसको कैसे यहाँ पे कैपिटल टू लगाते हैं और नीचे से क्या करते हैं, उसको कैसे करेंगे एक्सपेंसर वाल, वो आपको अगला वीडियो मिलेगा। आप नए हो, लाइक को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों का सऊदी अरबिया में जो भी है, कैसे काम किया जाए, ट्रेड कैसी है, यहाँ पे टोटली ट्रेड कैसी है, तो सबसे पहले हम कभी भी जाएंगे तो सेफ्टी सबसे पहले कारवा को जो है कारवा अरबी शब्द है वोल्टेज को बंद करेंगे, ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ के करेंट बहुत 3 फेज का होता है, या फिर 3 फेज नहीं है, ये सिंगल फेज का है, तो 220 वोल्टेज आता है, कभी कभी 3 फेज भी आता है, चिल्लर में आता है अभी 3 फेज, अभी वेट होगा, पता अभी टाइम लग रहा है, देखो 3 मिनट होने वाला है, चलता है कि नहीं चलता है, अभी तक कोई रिजल्ट, अभी ये कैसे आता है, ये देखो ये जो है कैपेसिटर के जो कॉन्टेक्टर है, ये आता है सप्लाई नीचे से आ रही है और 24 वोल्ट का आता है, इसको आपको एक वीडियो में बनाएंगे, 24 वोल्ट का आता है और कैसे कैसे काम करते हैं वो आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वेट करेंगे तो चालू होगा 3-4 मिनट में, तो क्या इसका रिजल्ट आता है देखते हैं, 3-4 मिनट लगता है समय, मुझे लग रहा है नीचे इंडोर बंद है क्या, वो सऊदी लोग है वो बंद कर दिया हुआ है, कल ही आए थे वो दिखे नहीं है, तो इसलिए अभी देखते हैं, वेट करते हैं, चल नहीं रहा है, करीब करीब 1.5 टन का एसी है, नहीं करीब करीब ये 30 का एसी है, मतलब वो आपका 24.5 टन का एसी है, ये पांच मिनट हो गया अभी चला नहीं है, लग रहा है इंडोर बंद है, ठीक है चला, अभी इंडोर बंद है, 5 मिनट से अधिक समय हो गया अभी चला नहीं है, मतलब आपका इंडोर के नीचे का जो रिबन से बंद है, तो अभी जा नहीं सकते, चलो अभी सेम आप रिले चेंज करके देख ले और चल जाए, इंशाल्लाह चल जाता है, ठीक है, नहीं चलेगा तो क्या होगा, आपको स्टार्टर कैपेसिटर चेंज करेंगे और रिले खराब हुआ तो रिले चेंज करेंगे, समझिए रिले खराब हुआ तो आपको स्टार्टर भी चेंज करना होगा, अभी स्टार्टर खराब हुआ तो रिले देखें सही है कि नहीं चाहिए वो आप चेक कर लीजिएगा, रिले वो आपको जब चालू होगा तो छोड़ेगा बंद होगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, ये 9-10 लेके स्टार्ट होगा, चालू होगा और चलेगा आराम से, कूलिंग करेगा बेहतर, और ये फिर दोबारा ख़राब होता है तो समझिए आपको इसमें एक्सपेंसर वाल निकाल कर नया लगाना पड़ेगा, जब एक्सपेंसर वाल नहीं है तो उसको नीचे वहाँ वेल्ड करें या वहाँ पे आपके फ्लेयर टूल की उपयोग से लेकर उसको फ्लेयरिंग बना के वहाँ टाइट के और ऊपर आपका कैपेडिया लगा दें। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, ये कैपेडी क्यों कैसे लगाते हैं, ठीक है।